बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज हम करेंगे दो काम। बेसिकली आज हमने इस गाड़ी को लगाने हैं कर्टन्स, रेलिंग वाले, ठीक है, जो स्लाइड हो जाते हैं। वैसे तो मेरी गाड़ी के जो ये शीशे हैं ये 25% टिंटेड है, लेकिन हम इसको अब मज़ीद प्राइवेसी के लिए हम इसका वो कर्टन्स लगाएंगे। जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे होते हो, यू नो, रशी एरिया में, तो ये उस तरह कवर नहीं करते इस चीज़ को। ये पीछे अब एक बस मेरे लग गई है और ये अब हॉर्न पे हॉर्न दी जा रही है, सारा ब्लॉक ख़राब कर रही है। एनी हाउ, तो वो लगाने, वैसे मेरे पास शेड्स हैं इसके जो पुल एंड पुश वाले हैं, लेकिन वो इतना मज़े की लुक नहीं देते हैं और वो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करते हैं समटाइम्स। अगर आपने पीछे करना हो तो सारा निकालना पड़ता है। तो एक तो वो हम कर्टन्स आपको दिखाएंगे, उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और हम आपको कर्टन्स जिस तरह लगते हैं और लगने के बाद कैसे लगते हैं वो दिखाएंगे। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काम है आज के दिन का वो ये है कि हमने सारी बियर्ड बनवानी है। थोड़ी नीट लुक आया, बहुत अनटाइडी लुक आ रही है। मैं खुद बहुत इरिटेटेड हूँ, मुझे थोड़ी सी गर्मी भी लगती है बियर्ड की वजह से, वो स्वेटिंग वगैरह होती है इस वजह से। सो इंशाअल्लाह आप हमारे व्लॉग को एंड तक देखें, आपको अच्छा लगेगा। और इंशाअल्लाह मुझे जो छोटी मोटी वो मॉडिफिकेशंस पसंद है, मैं आपको वो दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह की अपनी गाड़ी को ओरिजिनल कंडीशन में रखते हुए छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस की हुई है। आई लाइक टू कीप इट ओरिजिनल। तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो और फिर मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कर्टन्स कैसे लगे हैं और जो छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस मैंने अपनी गाड़ी में की हुई हैं आपको वो कैसी लगी। जी, हेयर आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट एंड अप्रिशिएट आरा कार कर्टन्स, जिनकी आप पैकेजिंग देखें, हमने अनबॉक्स किया है, इतना सॉलिड उन्होंने वो सिलेंडर के अंदर उसको पैक किया हुआ था ताकि वो डैमेज ना हो। जब हमने उसको निकाला है तो उन्होंने एक एक चीज़ का ख्याल रखा हुआ है, डिटेल चीज़ें हैं, सारा कुछ है। इन्होंने एक्स्ट्रा सिलिकॉन टेप दी हुई है कि इफ़ इन एनी केस अगर आपको चाहिए हो तो आप लगा सकें, ठीक है, आपको आफ्टर मार्केट ना परचेज़ करनी पड़े। इन्होंने एक एक चीज़ के ऊपर डिटेल दी हुई है, जो रेलिंग है उसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। आगे जाके आपको वीडियो में नज़र आएगा, मैं दिखाऊंगा कि ये जो रेलिंग है ये कहाँ पे लगनी है, क्योंकि साइजेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो कहीं आप गलत ना स्टिक करते हैं। तो उन्होंने मैंशन किया हुआ है कि ये अप फ्रंट है, फ्रंट डाउन है, बैक अप है, बैक डाउन है, ये स्ट्रिप कहाँ पर प्लेस करनी है वो आपको आगे जाके नज़र आएगी। इन्होंने एक एक चीज़ मैंशन की हुई है। हाई क्वालिटी इनकी चीज़ें थी, इनका जो कर्टन का फैब्रिक है वो बहुत अच्छा है, इसकी फिटिंग मुझे बहुत पसंद आई है, मैंने अभी कल जो उनसे अपनी सर्विक पे इंस्टॉल किया है मुझे वो भी बहुत पसंद आया। तो इनकी एक एक चीज़ बहुत अच्छी है, वेरी हाई क्वालिटी। आई वुड हाईली रिकमेंड जिनको ये चीज़ पसंद आई है वो इन्हीं से परचेज करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हम अमजा भाई के पास आए हुए हैं, अमजा भाई इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। अमजा भाई साथ साथ बोलना भी है कि इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ। टेप आई है इसके साथ, इधर आ जाए आप। ये इसकी रेलिंग है, ये लिक्विड वो है प्रमोटर का, चार अदद इसमें जो है। ये कर्टन्स हैं फ्रंट बैक के दो दो, ये प्रमोटर है टेप पे लगाने के लिए ताकि अच्छे से स्टिक करे। और ये इसकी रेलिंग्स हैं, और मज़े की बात ये है, हम दबा इसको खोलें ज़रा। ये रेलिंग के ऊपर भी मेंशन होया हुआ है कि ये कहाँ कहाँ कौन सी रेलिंग लगनी है, हम दबा ही बताएँ इनको ज़रा। जैसे कि जैसे बैक अप, बैक अप किया है ये बैक डाउन, ये इस तरह मेंशन है। ये आप घर में खुद भी लगा सकते हैं, लेकिन आप हमजा भाई के पास हैं तो आप प्रोफेशनल तरीके से लगाएंगे, ऐसा ही ना हमजा भाई।
नहीं, वैसे तो इसके साथ में वो टेप लगी हुई थी, लेकिन इन्होंने बॉक्स के अंदर एक्स्ट्रा टेप भी दी हुई है, तो हम वो वाली उतार के ये फ्रेश वाली लगा रहे हैं। ये ज़्यादा अच्छी टेप है, सिलिकॉन वाली है, इसके साथ हम लगाएंगे। आपको दिखाता हूँ छोटी छोटी मैंने मॉडिफिकेशन अपनी गाड़ी के साथ की हुई है। एक तो ऑब्वियसली ये आप पार्किंग लाइट देख रहे हैं, मैंने वाइट की हुई है, और जो ये स्पोर्टेज लिखा हुआ है ये मैंने इधर से ही लगवाया था, ये टोयोटा लूप पॉट है गुजरांवाला में, वहाँ से मैंने लगवाया था। ये जो बैक की लाइट्स हैं इनको मैंने हल्का सा पेपर ब्लैक लगाया हुआ है स्मोकी लुक देने के लिए। रिवर्स लाइट भी मैंने वाइट की हुई है, और इसमें मॉडिफिकेशन मैं आपको एक दो दिखाता हूँ। और इसमें ये मॉडिफिकेशन मैंने की हुई है कि ये लाइट भी मैंने वाइट करवा दी है, वरना ये आती है वॉर्म वाइट। और इसके जो ये मैट्स हैं मुझे ये बड़े पसंद हैं, उसकी वजह ये है कि ये जितनी मर्जी मिट्टी या कीचड़ हो इसके अंदर वो मर्ज हो जाएगा, बाहर नहीं गिरेगा। जब तक आप मैट को बाहर निकाल के इसको झाड़ते नहीं हैं, इसको वॉश नहीं करते हैं, बहुत अच्छे और बड़े मोटे मैट हैं, मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। मेरी ग्रैंडी में भी यही है, और मेरे स्पोर्टेज में भी यही रखे हुए हैं। सिविक के मेरे अभी तक चेंज नहीं किए, वो वैसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक और चीज़ है कि मैंने फ्रंट पे भी आपको दिखाता हूँ, फ्रंट पे भी स्पोर्टेज लिखा हुआ है। ये मोटा भाई है, छोटा मेरा भाई है, ये हमजा भाई रेलिंग लगा रहे हैं। हमजा भाई डाउन की हो गई या फ्रंट डाउन की? हाँ जी। ये ले ले जी, हमारे कर्टन्स लग गए हैं। इसकी बेस्ट बात यही है जो मैंने आपको पहले बताई थी, ऐसे लगा जैसे कर्टन जो था ना वो कर्टन नहीं है, वो पेपर लगाया है, टेंट किया, ऐसी परफेक्ट फिटिंग आई है। जब दिल किया पीछे कर लिया, और ये पीछे भी फुल एंड तक होता है, यहाँ तक पीछे कर लिया और इसको टिच बटन के साथ बंद कर लिया। और जब आपको प्राइवेसी चाहिए तो आप इसको आगे कर लो और फुल प्राइवेसी, इसको स्टिक कर दें यहाँ पर। हाँ जी, बाहर से ये लुक है इसकी, अंदर हालांकि लाइट चली भी है, लेकिन लाइट चलने के बावजूद कुछ विजिबल नहीं है। मूसा चले। अच्छा जी, गाड़ी के जो कर्टन्स हैं वो हो चुके हैं अब इंस्टॉल, अब हम लोग आ गए हैं ऑफिस में। ऑफिस में अब थोड़ा सा बिजनेस को टाइम देंगे, और शाम को हम लोग जाएंगे हेयर कट के लिए और शेव वगैरह के लिए। और मैं आपको एक जल्दी से अब एक क्विक रिव्यू दूंगा अपने ऑफिस का कि दिस इज वेयर आई सेट एंड डू माय बिजनेस। Call my name, yes, come and say my name.